तो हेलो, दिस इज़ मंदार। सो आज हम स्टॉक मार्केट का इंटरमीडिएट लेवल का अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं, ठीक है। सो इसमें क्या कंसिस्ट होगा, प्राइस एक्शन, कैसे कैंडल्स फॉर्म होती है, कैसे पैटर्न्स फॉर्म होता है, तो वो सब हमें ना डिटेल्स में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर प्राइस एक्शन को समझे, तो प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन इज़ अ टेक्निक दैट अलाउज ट्रेडर टू रीड द मार्केट, ठीक है। सो जैसे अगर कोई आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसको सीखना पड़ेगा ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इफ़ यू टॉक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, आपको पहले अल्फाबेट सीखना पड़ेगा, फिर उसमें वॉवल्स पूरे एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ता है। आपको डायरेक्ट उसको एक सेंटेंस को पढ़ने नहीं आएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट में कैंडल्स को पढ़ना है, तो तुम्हें उनकी एक्शन को समझना पड़ेगा। वो प्राइस कैसे मूवमेंट कर रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है मूवमेंट कैसे कर रहा है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है, रेदर देन सोली डिपेंड ऑन द टेक्निकल इंडिकेटर्स, ठीक है। सो मेनली है ना, सब लोग बोलते हैं कि मुझे कोई इंडिकेटर दे दो, ठीक है, ताकि मैं ना बाई कर पाऊँ या सेल कर पाऊँ। सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है कि आपको प्राइस पढ़ने आ गया ना, तो आपको इंडिकेटर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इंडिकेटर हमेशा है ना लैगिंग होता है, ठीक है। मतलब क्या कि सबसे पहले है ना प्राइस मूवमेंट करता है, उसके पीछे पीछे इंडिकेटर मूव करता है। तो आपको प्राइस पढ़ने आ गया तो आपको पूरा मार्केट में अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी, आपकी स्किल्स ज़्यादा डेवलप होगी उसमें। सो सबसे पहले प्राइस एक्शन में क्या क्या होता है, सबसे सबको ये तो बेसिक सबको पता ही होगा, कैंडलस्टिक होता है, फिर पैटर्न्स होता है, चार्ट पैटर्न्स होता है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सब नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभी देखो, प्राइस एक्शन इज नॉट द स्टडी ऑफ प्राइस, इट्स स्टडी ऑफ द मास साइकोलॉजी। मतलब क्या कि आप प्राइस एक्शन बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो कि प्राइस को कैसे स्टडी करता है, उसका प्राइस एक्शन का मीनिंग होगा? नहीं नहीं नहीं, प्राइस एक्शन का मीनिंग क्या होता है पता है, कि बायर्स और सेलर्स मास साइकोलॉजी, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। कोई अगर पैटर्न बन रहा है तो मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स है उनके दिमाग में क्या हो रहा है, अगर समझो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रही है, ठीक है, तो मेजॉरिटी लोग है ना बाई का सोच रहे, तो आपको है ना प्रीवियस देखना पड़ेगा डेटा कि ऐसा बना था तो इसने क्या किया था, इसने बायर को ट्रैप करके सेलिंग आया था कि क्या हुआ था। सो आपको उनकी साइकोलॉजी समझनी है। सो अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन इज प्राइस एक्शन। सो यह वी नॉट डेवलप द स्ट्रेटजीज, वी डेवलप द स्किल्स। मतलब क्या, बहुत मेजोरिटी है ना, आप ना वीडियोज़ देखोगे ना तो उसमें क्या बताते हैं कि ये पैटर्न है, इसके ऊपर है ना बाई करोगे, ये कैंडल के ऊपर बाई करोगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख देना, ठीक है, सो आपको प्रॉफिट मिलेगा या तो आप यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमें स्किल्स डेवलप करनी है। क्या हमको है ना लोगों का साइकोलॉजी को स्टडी करना है, ये पैटर्न बन रहा है तो मेजोरिटी ट्रेडर्स की क्या साइकोलॉजी है वो अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो उसका मीनिंग है साइकोलॉजी, और उसका डिटेल्ड फॉर्म है उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, ठीक है। सो ये था प्राइस एक्शन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कैंडलस्टिक। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैंडलस्टिक होती क्या है। देखो सबसे सिंपल चीज़ है ना, जो बिगनर है उसको मैं समझा देता हूँ। कैंडलस्टिक मतलब क्या होता है कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये ग्रीन बनती है, आपने देखा होगा, अरे ये ग्रीन बन रही है मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी जो मैं आगे बताऊंगा। सो जो बिगनर है उसके लिए समझाता हूं मैं, ग्रीन मतलब ऊपर जा रहा है, रेड मतलब मार्केट जब नीचे आता है एग्रेसिवली तब रेड कैंडल बना के आता है, ठीक है। सो कैंडलस्टिक को अभी डिटेल में समझेंगे। एवरी कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट्स अ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। ये जो कैंडल्स है वो कैसे बनती है पता है, बायर्स होते हैं ना, बायर्स और सेलर्स उसके बीच में फाइट होती है। मतलब क्या, देखो यहाँ पर ओपन हुआ, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए, ये इसको प्राइस समझो, ठीक है। ये कैंडलस्टिक को मैंने ना ये लाइन फॉर्मेशन में समझा दिया ताकि आप और इसको डिटेल में समझो। यहाँ पर से ओपन हुआ प्राइस, ठीक है, बायर्स ऊपर लेके गए, ठीक है, फिर वापस ये नीचे आया, मतलब क्या हुआ, सेलर्स ने प्राइस को पुश किया नीचे और फिर वापस बायर ने मोमेंटम करके यहाँ पर क्लोज दिया, ठीक है। तो ये ऐसे ही बनता है, मतलब कैसे हुआ, देखो यहाँ पर मैं थियरी बताता हूँ। प्राइस ओपन हुआ, यहाँ से क्लोज हुआ नीचे, मतलब लो मारा, फिर वापस एक हाई मारा जो बायर्स ने मोमेंटम गेन किया और फिर वापस एक क्लोजिंग आ गई। मतलब क्या कि बायर्स ने ये पूरी कैंडल में ये बैटल जीत गए, समझ गए। अपर विक टेल्स सेलर स्ट्रेंथ, मतलब क्या कि ये देखो ये जो वीक बनाई है, मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, सेलर्स ने ट्राई किया पर वापस बायर्स ऊपर आ गए, फिर सेलर्स ने वापस है ना प्राइस को नीचे लेके आए और यहाँ पर क्लोजिंग आ गई। तो मतलब यहाँ पर सेलर्स लोग ने है ना थोड़ा है ना स्ट्रेंथ दिखाया, इसलिए ये वीक बना, इसको वीक बोलते हैं या तो टेल भी बोलते हैं, ठीक है। और लोअर वीक का सेम चीज़, ओपन यहाँ पर हुआ, हाई मार्केट में मतलब ऊपर लेके आए बायर्स, पर सेलर्स ने इतना एग्रेसिव सेल किया कि वो नीचे तक आ गया, फिर बायर ने थोड़ा मोमेंटम जनरेट करके यहाँ पर क्लोजिंग आई, ठीक है। सो ये ऐसा इसका साइकोलॉजी होती है ये कैंडल के पीछे। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्लोजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, इट टेल्स हु वॉन द पर्टिकुलर बेटा बैटल, ठीक है। मतलब क्या, अगर देखो इसमें मैंने मोमेंटम समझाया कि सेलर्स पहले स्टार्टिंग में स्ट्रांग थे और फिर अभी बायर्स ने इसको जनरेट करके ये ग्रीन कैंडल बन गए, ठीक है। तो मतलब बायर वॉन दिस बैटल, बायर की ये पूरी कैंडल्स बायर के फॉर्म में, गॉट इट। सो यही फॉर्मेशन है। फिर बॉडी टेल्स द मार्जिन बाय विच वन पर्टिकुलर साइड हैज़ वॉन, मतलब आपको समझ गया ना कि ये जो बॉडी है ना उसका कलर से आपको पता चल जाता है कि कौन बैटल जीत गया, करेक्ट। बायर्स है तो ग्रीन बन जाती है और सेलर्स है तो रेड बन जाती है, ये बेसिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो अब मैं एडवांस में अभी लिखे जाऊंगा कि आपको अंडरस्टैंड कैसे करना है चार्ट के बेसिस पे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट,
विच इज कैंडल स्टिक। अभी समझाता हूँ, ये कैंडल को बोलते हैं हैमर, ठीक है। 10 बजे प्राइस ना ओपन हुआ, फिर एक थोड़ा बायर्स ने ना प्राइस को पुश किया, ठीक है, फिर एग्रेसिव नीचे सेलिंग आई और फिर सेलर्स ने वापस प्राइस को यहाँ ऊपर लेके आया। तो 10:00 to 10:30 मतलब क्या, एक 15 मिनट्स की कैंडल है, टाइम फ्रेम होती है कैंडल, मतलब आप चार्ट्स में देखोगे ना तो आपको आगे में आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा, 1 मिनट 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स के ये कैंडल्स के टाइम फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट्स में अगर देखोगे तो बैटल कौन जीता पता है, बायर्स। ये कलर रहता है ना, कलर्स में ना आपको है ना साइकोलॉजी समझना, ये कैंडल्स के पीछे ओपन यहाँ हुआ, ऊपर प्राइस बायर्स लेके गए पर सेलर्स ने बहुत एग्रेसिव सेलिंग की, फिर वापस बायर्स आए और प्राइस को ऊपर लेके गए, मतलब मेजोरिटी कौन जीता, बायर्स ने पूरा ये बैटल को जीत लिया। सेलर्स ने ट्राई किया पर मार्केट बायर्स ने जीता दिया। तो ये साइकोलॉजी थी, आगे हम और भी देखेंगे। अब हमें ना 3 आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप है ना खुद एनालिसिस करना और है ना कमेंट में बताना कि आपको कैसा ये लगा। ये डोजी है, डोजी मतलब क्या, इनडिसीजन, ठीक है। इनडिसीजन मतलब कि ना बायर्स इक्वल है और सेलर्स दोनों इक्वल है। तो कभी कैसे बनती है पता है, ओपन यहाँ से हुआ, फिर बायर्स ने ट्राई किया ऊपर लेके जाने को मार्केट को, फिर सेलर्स वापस आए नीचे और फिर क्लोज वापस ऊपर आए। मतलब क्या, क्लोज और ओपन होता है ना वो एक लेवल पे आ जाता है, मतलब सेलर्स और बायर्स दोनों इक्वली स्ट्रांग है, ठीक है। मारा बुजू मतलब क्या कि एग्रेसिव बायर स्ट्रांग है। ओपन यहाँ हुआ और बायर्स ने इतना ओपन होता है ना, ओपन ही होता है ना वो लो होता है, मतलब यहाँ से बायर्स ने इतना मोमेंटम गेन किया कि वो फिर हाई लगा के क्लोज वहाँ पर ही दे दिया, मतलब फुल बुलिश कैंडल, मतलब यहाँ से मोमेंटम है ना बहुत अच्छा जनरेट होता है, बायर्स ने पूरा वो जो मोमेंट सो फेवर में ले लिया। सो इन्वर्टेड हैमर, अभी इसमें क्या होगा, साइकोलॉजी सिंपल चीज़ आपको समझना है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या, आपको समझ क्या होगा कि सेलर इतना स्ट्रांग है, कैसे, ओपन प्राइस हुआ यहाँ पर, फिर बायर्स ऊपर लेके आए प्राइस को, फिर सेलर्स ने इतना एग्रेसिव सेलिंग किया कि वो यहाँ पर क्लोज दे दिया, मतलब क्या, प्राइस ऊपर, बायर्स ने ट्राई किया पर सेलर्स ने डबल इतना सेलिंग किया यहाँ पर कि वो लो के पास क्लोजिंग दे दी, उसलिए इन्वर्टेड हैमर बना। आपने आपको क्या करना है पता है, सिंपल चीज़, ये जितने भी 3 मैंने बताई है आपको चार्ट्स में आइडेंटिफाई करना है और आपको है ना साइकोलॉजी समझना है कि कैसे ये फॉर्म हुआ, आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। मैं मेक श्योर करता हूँ अगर आप है ना इसको सिंसियरली आइडेंटिफाई करोगे चार्ट्स पे, सो यू विल बी द गुड ट्रेडर, आपको है ना समझने लग जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, गॉट इट। फिर विल कम टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, सबसे पहले उसका है ना एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस यूज सपोर्ट एनालिस्ट, टेक्निकल जो एनालिस्ट होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, या तो टेक्निकल्स लेवल्स बताते हैं कि ये प्राइस कितना तक जा सकता है, वो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं और वो प्राइस के जो पॉइंट होता है ना वो चार्ट में कहाँ पर हुआ है, मतलब कहाँ पर फॉर्म हुआ है या तो कहाँ पर प्रोबेबिलिटी है उसके फेवर में, तो वो है ना बताते हैं। रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। एक बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग का जो बेस होता है ना वो सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस मतलब क्या, टेरेस जो होता है ना जो टॉप फ्लोर वो रेजिस्टेंस होता है। और आप समझो एक ह्यूमन बीइंग हो, आप सपोर्ट से जा रहे हो रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस के आप ऊपर और तो नहीं जा सकते, समझ रहे हो ना। सो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस नीचे आना पड़ेगा सपोर्ट के पास। सिंपल प्राइस ऐसे ही चलता है, टू बी ऑनेस्ट। सी सपोर्ट ऑकर्स वेन डाउनट्रेंड इज एक्सपेक्टेड एंड रेजिस्टेंस ऑकर वेन अपट्रेंड इज एक्सपेक्टेड, मतलब क्या, जब डाउनट्रेंड होता है ना तब भी सपोर्ट बनता है, ठीक है, और जब अपट्रेंड होता है ना तब रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। सो मैं आगे दिखाता हूँ विद एग्जांपल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस एनालॉजी कंसीडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज अ वॉल्स। इमेजिन द फ्लोर इज आर सपोर्ट एंड द सीलिंग इज आर रेजिस्टेंस, मतलब क्या, सिंपल मैंने बताया था ना वो बिल्डिंग वाला एग्जांपल, अभी फ्लोर का साथ लेते हैं। सेकेंड फ्लोर पे आपने, चलो यहाँ से लिफ्ट में आए, यहाँ से आप गए वापस लिफ्ट में, आप थर्ड फ्लोर पहुँचे, ठीक है, मतलब क्या, सपोर्ट से आप गए रेजिस्टेंस में, थर्ड फ्लोर इज अ रेजिस्टेंस, सेकंड फ्लोर इज अ सपोर्ट, फिर वापस आप सेकंड फ्लोर पे आए, कहाँ पर आए आपने, आप सपोर्ट पे आए, फिर वापस आप थर्ड फ्लोर पे गए, ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, फिर आप गए, मतलब जब जब आप है ना एक बेस बना के आपको, आप जहाँ से मूवमेंट कर रहे हो वो सपोर्ट हो गया और आप वापस जहाँ से नीचे आ रहे हो वो रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। सो ये एग्जांपल था। सो हम आगे है ना एक कैंडल्स में, मतलब मैं बताता हूँ चार्ट्स में कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। एक समझो, एक स्टॉक है जिसका प्राइस है 100 रुपीस, गॉट इट। सो 100 रुपीस का स्टॉक था, सिंपल चीज़, आगे का डेटा मत देखो, मैं आगे समझाता हूँ। 100 रुपीस का स्टॉक था, यहाँ पर आपने बाय किया, ठीक है, वो चला गया 120, तो आपने बोला अरे 20 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है मैं बेच देता हूँ, तो आपने बेच दिया, फिर वो 120 से 200 तक गया, तो आप क्या सोच रहे हो, अरे यार मैंने होल्ड किया होता तो मैंने ये और मोमेंटम मुझे मिल जाता और मैं महंगे में बेचता था, मुझे प्रॉफिट और हो जाता था। तो आप वापस क्या करते हो कि अगर ये वापस 100 पे आएगा ना तो मैं वापस बाय करूँगा। क्यों आप बोल रहे हो पता है, क्योंकि एक सपोर्ट हो गया और ये वापस और
और एक प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी पता है, वापस यहाँ पर आप तो लोगे पर और भी कौन लेगा पता है, जो यहाँ पर प्राइस को देख रहे हो, आपने यहाँ प्रॉफिट बुक किया है करेक्ट, पर जो मैंने प्राइस अभी देखा और मुझे मैंने बोला कि यार मुझे भी लेना था यार, यहाँ से इतना अच्छा मोमेंटम गया, सो मैं कभी लूँगा, अभी 100 रुपीज़ आएगा ना तो मैं वापस लूँगा, तो आपने भी एक्सपेक्टेशन ऐसा किया, और एक्स वाई जेड जिसने ना लिया नहीं स्टॉक वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं ऐसे लूँगा। सो एक सपोर्ट पे जब 100 पे वापस स्टॉक आएगा, मैं भी लूँगा और आप भी लूँगा, आप भी लोगे, सो इससे क्या होगा, वापस एक मार्केट में मोमेंटम जनरेट होगा और वो 200 तक जाएगा। तो ऐसे ये चलता है। और आप पूछोगे कि रजिस्टर मतलब 200 से वापस नीचे क्यों आ गया, ऊपर क्यों और नहीं गया, समझाता हूँ। 100 पे आपने लिया था, 120 पे आपने बुक कर दिया करेक्ट। सो आपको नहीं लगता है कि कोई ने 120 में भी बाई किया होगा ये स्टॉक को, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं ऊपर जा सकता। सो वो इन लोग ने क्या किया, जिसको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है आपने यहाँ पर बेच दिया, पर जिसने यहाँ पर बाई किया है वो तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक करेगा कि नहीं, तो उसने 200 पे प्रॉफिट बुक कर दिया, ठीक है। इसलिए मार्केट प्रॉफिट बुकिंग मतलब मार्केट नीचे आ गया, तो वहाँ से एक रेजिस्टेंस बन गया। सो वापस आप क्या करोगे, बाई यहाँ पर किया, सेल अभी नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस पे करोगे ना, अभी वापस आप वो गलती तो यूज़ नहीं करोगे, 120 पे वापस सेल नहीं करोगे, सो वापस आप 200 पे ही सेल करोगे, ठीक है, रेजिस्टेंस पे। सो यही था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब ये मैं डिटेल एक दो पैटर्न बना देता हूँ, जब आप है ना इसको चार्ट पे एनालिसिस करना कि कहाँ बना है, सबसे बेस्ट चलता है ये, ठीक है। ये है डबल बॉटम और ये डबल टॉप। आपको साइकोलॉजी समझनी सबसे पहले, यहाँ से डाउन ट्रेंड मैंने बताया ना, डाउन ट्रेंड में एक बेस बनता है, बेस मतलब क्या, सपोर्ट बनता है, ठीक है। बेस मतलब सपोर्ट और रुकावट मतलब रेजिस्टेंस, हिंदी में मैंने ट्राई किया, ठीक है। सो फाइनल सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर है, फिर यहाँ से एक मार्केट एक बम्प हुआ, मतलब जिसने यहाँ बाई किया होगा वो यहाँ तक आया मार्केट, उसने सेल कर दिया, तो वापस प्राइस आ गया, वापस आ गया। सो जो जिसने प्राइस को यहाँ देखा होगा वो क्या बोल रहा होगा, सोच रहा होगा कि यहाँ पर जब प्राइस आएगा ना वापस, मैं वापस बाई करूँगा। और आप भी क्या सोच रहे होगे कि वापस एक बार आ जाए तो मैं इधर है ना थोड़ी रिस्क लेके बाई करूँगा, ठीक है। सो आपको है ना थोड़ा स्मार्ट बनना है, आपको है ना ऐसा एग्रेसिव रिस्क नहीं लेना है, आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस के साथ आप कैसे ट्राई करोगे, ट्राई सबसे पहले आपको है ना फर्स्ट सपोर्ट पर एंट्री नहीं लेनी है, आपको क्या करना है, फिर एक सपोर्ट बनने देना है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया ठीक है, वापस नीचे आया, यहाँ बाई करना है नहीं, आपको यहाँ नहीं बाई करना है, आपको करना है यहाँ बाई, ये हाई है ना इसके हाई पे बाई करना है, स्टॉप लॉस ये लगाना है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर बाई करोगे तो क्या पता और स्टॉक नीचे चला जाए, सो आपको है ना थोड़ा सेफ और स्मार्ट एंट्री लेना है, तो इसको डबल बॉटम बोलते हैं। आपने कन्फर्मेशन विद स्टॉप लॉस आपको मिल गया, और अभी ये प्राइस है ना मिनिमम ये जितना भी स्टॉप लॉस समझ 10 रुपये का है, तो आपको टारगेट रखना है 20 रुपीज़ का, विच इज़ 1:2। मैं 10 रुपये खोने के लिए रेडी हूँ, पर अब सामने मैं 20 रुपीज़ कमाने के लिए रेडी, ठीक है। सेम डबल टॉप मतलब शॉर्ट करने का, सेल पोजिशन बनाने का, बेच के पैसा बनाने का, क्या प्राइस ऊपर आया यहाँ से वापस नीचे आ गया, क्यों, यहाँ पर जितने बाई किया वो अभी बेचेगा तो सही ना, तो एक रेजिस्टेंस कहाँ पर क्लियर हो गया, वापस ये नीचे गया, आप क्या सोचोगे कि यहाँ पर आएगा तो मैं शॉर्ट करूँगा वापस, करेक्ट। सो यहाँ पर नीचे मार्केट आया, आपको यहाँ एंट्री लेना है नहीं, आपको कन्फर्मेशन एंट्री लेना है, क्यों, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस ही नहीं पता चलेगा, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली और मार्केट ऊपर चला गया तो आपको लॉस होगा, सो स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, कटिंग इट। सो यहाँ से प्राइस ऊपर मूव हो रहा है, फिर जब ये लेवल पे आ रहा है आपको करना है शॉर्ट, और उसका स्टॉप लॉस रखना ये, ठीक है। 10 रुपीज़ का है तो 20 रुपीज़ का टारगेट, विच इज़ 1:2, ठीक है। सो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का साइकोलॉजी था, आई होप यू लाइक इट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब इंटरमीडिएट लेवल का है ये। अभी जब मैं एडवांस लेवल का समझाऊंगा आपको, उसमें ना समझाऊंगा चार्ट में कि कैसे ये वर्क करता है। सो ये इंटरमीडिएट लेवल पे आप इसको देखो, आपको समझो, और आप है ना मैंने क्या बताया था, चार्ट्स पे फाइंड करो ये पैटर्न्स, मैंने जो कैंडल्स बताई उसकी साइकोलॉजी, ठीक है। सो डेफिनेटली इट विल मेक यू अ गुड ट्रेडर। सो आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।